हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रिया कहाँ है? डॉक्टर साहब के साथ अंदर है, उनका आज अपॉइंटमेंट है। माय गॉड, रिया? रिया बेटा जल्दी करो, लेट हो जाएगा। जी मॉम, बस आई 2 मिनट। परफेक्ट, एक सेल्फी ले लेती हूँ। Yes, best pick. ये क्या है? ये तोहफा, वो भी मेरे नाम पर? वाओ, इसके कपड़े तो बिल्कुल मेरे कपड़ों की तरह है। और ये म्यूजिक तो मेरी ही फिल्म का है। वाओ, दीदी क्या हुआ? रिया क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, बताओ तो सही। भैया ये बॉक्स तो वो कूरियर वाला देके गया था। तंग आ चुकी हूँ मैं, तंग आ चुकी हूँ। वो मुझे मार कर ही अपनी चैन की सांस लेगा, मार डालेगा मुझे। रिया CID। सर ये मेरी बहन रिया है। हेलो सर। सर ये गिरीश जी, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर। हेलो सर। सर ये मिस्टर अभय, एक नामी डायरेक्टर। सर ये सैंडी, रिया का मैनेजर। ये मम्मी है, ये हमारी छोटी बहन आन्या, और ये रिया का बॉडीगार्ड विग्नेश। बॉडीगार्ड? तुम्हारे रहते ही सब कैसे हो रहा है? एग्जैक्टली मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, मैं उसका भर्ता बना दूंगा। अब हम आ गए हैं तो भर्ता हम ही बना देंगे। जरा वो गुड़िया दिखाइए। TKS कुरियर सर्विस से है सर। यू आर नेक्स्ट। या जी कब से चल रहा है ये सिलसिला? काफी वक्त से सर। आप? 3 हफ्ते पहले इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी सर। मैं महेश, क्राइम ब्रांच से। केस में कुछ प्रोग्रेस हुआ है? कुछ खास नहीं सर, ये जो भी है बहुत चालाक है, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। आएगा, जरूर आएगा, बस एक मौका मिलना चाहिए। प्रिया, ये सिलसिला कब से चल रहा है? सर एक्चुअली ये 6 महीने से चल रहा है। ये आदमी मुझे सोशल मीडिया में बहुत सारे मैसेजेस कर रहा था, और फिर मुझे लगा कि कोई यू नो लाइक फैन टाइप का आदमी है जो यूजुअली करते रहते हैं। बट इसने मेरे नाम से ID भी बनाई थी, आई लव रिया। रिया यू ब्यूटिफुल, आई लव यू सो मच, आई वॉन्ट टू मैरी यू। जवाब दो वरना अच्छा नहीं होगा, चेहरा खराब कर दूंगा, गॉड, जान से मार दूंगा। माय गॉड। फिर आपने उसे ब्लॉक क्यों नहीं किया? ऑफ कोर्स मैम, मैंने ब्लॉक किया था, बट वो जिद्दी टाइप का आदमी था। वो अलग अलग IDs बनाकर मुझे बहुत परेशान कर रहा था। और तो और उसने मुझे मेरे बिना आंखों का फोटो भेजा, और उसमें लिखा था कि अगर मैं उसके अलावा किसी और को देखूंगी तो वो मेरी आंखें निकाल देगा। कोई सर फिर आशिक लगता है सर? हाँ जी सर, इस सर फिर ने तो मुझे फोन कर परेशान कर दिया था, और वो कह रहा था कि वो मुझसे मिलने आ जाएगा। और फिर सर इतनी रातें गुजर गई कि मैं एक रात भी सुकून से सो नहीं पाई। महेश,
इस आदमी का आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं किया? किया था सर, लेकिन सारे मैसेजेस नए नए आईपी एड्रेस से भेजे गए हैं। और कॉल्स की डिटेल्स? सारे डिटेल नकली है सर, और ये जो भी कर रहा है पूरा प्लानिंग से कर रहा है। सभी कॉल्स अलग अलग नंबर से किए गए, शायद फोन बर्नर का इस्तेमाल किया गया है। कॉल्स की लोकेशन? सारे लोकेशन अलग अलग है सर। ये देखिए, बरेली, झांसी, इंदौर, अहमदनगर। मतलब कॉल की डिटेल्स भी नकली है? कॉल की डिटेल्स नकली है या फिर वो धीरे धीरे करके रिया के करीब आ रहा है। अहमदनगर मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है सर। अब ये कुरियर कंपनी तो मुंबई की है सर, तब वो मुंबई आ चुका है। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो अगर मुंबई आ गया है तो मैं कहाँ जाऊँ? शहर छोड़ दूँ मैं कहाँ चली जाऊँ सर? शहर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है रिया, घबराओ मत। अब इसके प्यार का बुखार हम उतारेंगे। सर ये वही बिल्डिंग है जहाँ से मैंने उस आदमी से कुरियर लिया था। जिसने तुम्हें ये पार्सल दिया था कैसे दिखता था वो आदमी? उसका स्केच बनवा सकते हो? सर मैंने उसका चेहरा देखा नहीं, कमरे के अंदर अंधेरा था सर, और उसके चेहरे पे सर दाढ़ी थी, उसने कैप भी पहन रखा था सर। लगता है कोशिश कर रहा था अपना चेहरा छुपाने की कुरियर वाले से। सर ये इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी है, इनका कहना है कि फ्लैट एक साल से बंद है, फ्लैट का मालिक कनाडा में रहता है। तो फिर कुरियर किसने दिया उस फ्लैट में से? मालूम नहीं सर, कहीं तो मैंने गलत बिल्डिंग में तो नहीं लेके आए। मैं क्यों गलत बिल्डिंग में लाऊंगा सर? एक मिनट, ये देखिए सर रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। ठीक तो है। तो रिकॉर्ड गलत है सर, मैं अभी आपको फ्लैट का नजारा दिखाता हूँ। इस तरफ आइए, फ्लैट एक साल से बंद पड़ा है, अंदर सब मकड़ी के जाले होंगे, देखते हैं। आइए सर आप खुद देख लीजिए। ओ ओ ओ ओ, ये तो रिया ही रिया है सब जगह। क्यों सेक्रेटरी साहब, ये है फ्लैट एक साल से बंद पड़ा हुआ? ये कैसे हुआ पता नहीं, एक्चुअली इस घर की चाबी सिर्फ मेरे पास रहती है। डुप्लीकेट चाबी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। ये रोज है, ये देखो। ओ मेरी जान रिया, मैंने प्यार सिर्फ तुझसे किया, लेकिन अगर धोखा तूने मुझे दिया तो बुझ जाएगा तेरे घर का हर दिया। रिया तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। जो कोई भी मेरे और रिया के बीच आएगा खत्म कर दूंगा उसको मैं। मेरे प्यार की कदर कर वरना तेरे खून से होली खेल भी सकता हूँ। जिसने भी ये किया है दया, बड़ा खतरनाक है ये, उसकी जिंदगी का एक ही मकसद दिखता है मुझे, रिया, सिर्फ रिया। और हमारा मकसद है सर उसे प्यार और जुर्म के बीच का फर्क समझाना। आप यहाँ के सेक्रेटरी हो ना, आप लोगों के नाक के नीचे यहाँ पर इस बिल्डिंग में इस फ्लैट में कोई अनजान आदमी ठहरा हुआ था, आप लोगों को भनक तक नहीं लगी है? जी इस बिल्डिंग में 50 फ्लैट है, अब हर एक फ्लैट में क्या क्या हो रहा है इतनी पहरेदारी तो मैं नहीं कर सकता। हर बिल्डिंग में एक पहरेदार तो रख सकते हो, सीसीटीवी कैमरा फिट कर सकते हो। उस आदमी को पता था सर कि यहाँ इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत खराब है, इसीलिए उसने इसी फ्लैट को चुना और यहीं से उसने वो कुरियर भेजा। दया जो भी कोई है शहर में पहुंच चुका है, रिया के पास वाले इलाके में। अब उसकी अगली मंजिल है रिया का घर। आप लोग उसे अब तक नहीं पकड़ पाए? आप लोग उसे कब पकड़ोगे? जब वो मेरा चेहरा खराब कर देगा या कि वो मुझे मार देगा? कब? देखो रिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सर आप शायद ये समझ नहीं रहे हैं कि मुझ पर क्या बीत रही है। सर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी नजर मुझे ढूंढ रही है हर जगह, वो कोई भी हो सकता है ना। मुझे तो लगता है कि कहीं वो मेरे आसपास ना हो। रिया मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूँ, और इसीलिए जब भी तुम घर से बाहर निकलोगी कहीं भी जाओगी हमारी ऑफिसर पूर्वी हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी वो। पूर्वी नाम है इनका। सर अगर आप पुराना माने तो क्या मिस्टर दया मेरी सिक्योरिटी के लिए मेरे साथ रह सकते हैं प्लीज? दया
दया ही क्यों? एक्चुअली अगर मिस्टर दया मेरे साथ रहेंगे तो मैं ज्यादा सुरक्षित महसूस करूंगी, और सर मुझे लगता है कि वो जो सरफिरा है ना वो इनसे ज्यादा डरेगा, सो प्लीज प्लीज इनको मेरे साथ रहने दीजिए ना। प्रिया एक बात साफ साफ कहता हूँ, तुम एक औरत हो और औरत होने के नाते किसी दूसरी औरत पर शक करना, और वो भी एक CID ऑफिसर पर, अच्छा नहीं है। देखो पूर्वी हमारी CID की एक जाबाज ऑफिसर है। So you're right. I'm so sorry, आप बुरा तो नहीं मान गई ना? मेरा मतलब It's okay, sir. अगर मेरे रहने से ये सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं तो फिर मेरा यहाँ रहने का फायदा क्या है? It's okay. पूर्वी आप बुरा मान गई क्या? महिला दिवस पर मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, काश उस वक्त आपने जो बातें कही थी उसे आप असल जिंदगी में अप्लाई कर पाती। मेरा मतलब ये नहीं है, I'm really sorry, आप मुझे मैं समझ सकती हूँ। जा, इनकी हिफाजत करना अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच सर। एक्सक्यूज मी सैंडी। जी सर। एक्सक्यूज मी मैडम। रिया मैम। जी आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? ऑटोग्राफ हमारे लिए नहीं, हमारे भतीजों के लिए। ऑफ कोर्स। एक्चुअली क्या ना, हमारे भतीजे आपके AC फैन कूलर सब कुछ है, सब कुछ। शो व्हाई नॉट। ये लीजिए। जी वैसे आप दोनों के भतीजों का नाम क्या है? मेरे भतीजे का नाम पंकज है। अब मेरे भतीजे का नाम फ्रेडी है। ओके। अब पंकज के लिए ना लॉट्स ऑफ लव लिखिएगा। हाँ श्योर। क्या हो रहा है? इनके भतीजों को मेरा ऑटोग्राफ चाहिए था तो बस वही कर रही थी। अच्छा क्या नाम है आपके भतीजों का? अरे आपके भतीजे का नाम पंकज है और आपके भतीजे का नाम फ्रेडी। I'm so sorry. Excuse me. Thank you. क्या चल रही है सर? हाँ इनका आइडिया था सर। ये आजकल जमाना तो सेल्फी का है, ऑटोग्राफ लेके क्या कर रहे हो? ऐसा है क्या? सेल्फी लो सेल्फी। हाँ आपके रिया मैडम की अगली शूटिंग कब है और कहाँ है? सर कल ही है सर, कल वो SG स्टूडियो में। ओह नो। क्या क्या हुआ? सर जब से मीडिया में ये खबर फैली है कि रिया की जान को खतरा है तब से उनका जीना मुश्किल हो गया। Oh.
आज हमारी फिल्म का ये आखिरी शॉट था, आज हमारी फिल्म कंप्लीट हो गई। सो बैकअप, हेलो 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 फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज बैकअप जरूर हो गया, लेकिन अभी आप लोग जाइएगा मत, अभी एक सरप्राइज बाकी है। ठीक 15 मिनट के बाद हम लोग केक कटिंग सेरेमनी करेंगे रिया जी के बर्थडे की। वाओ, नाइस शॉट रिया। अच्छा शूट था आपका। थैंक यू सो मच। So sorry, आप लोग शूट पे बोर तो नहीं हो रहे ना? कोई नहीं, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। I'm really sorry about it. No problem. By the way, happy birthday. Thank you so much. Yeah, happy birthday. Thanks a lot, sir. एक सेकेंड, मैं बस चेंज कर कर वापस आ जाऊँ। I'll just take one minute. Yeah, yeah, please, please. Thank you. मामा, मैं बस दो मिनट में चेंज कर कर आती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ। रिया, क्या हुआ? क्या हुआ? रिया, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ क्या? किसी ने वीडियो भेजा? चलो पीछे जाओ। ये तो मेकअप रूम का वीडियो। इसको तो मैसेज भी भेजा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर वक्त हर पल। किसने अंदर आने का तो यही एक दरवाजा है ना? कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मारना लगा मुझे, प्लीज सर, मुझे बचा लिया, प्लीज सर, प्लीज कुछ कीजिए। कुछ नहीं होगा, वीडियो में जो एंगल है उस तरफ से शूट किया जा रहा है। ये रहा कैमरा, Elron 550 वायरलेस कैमरा। रेंज इसका 300 फीट है। 300 फीट मतलब वो जो कोई भी है वो यहां फिल्म के सेट पे ही है। एक मिनट, मैं भी देखता हूं। कैमरे के बारे में आप लोगों को कुछ पता है? नहीं, नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा ये बुके किसने दिया था? सर इतने सारे गुलदस्ते हैं और किसी पर एक नाम नहीं लिखा है। मुझे कुछ नहीं पता सर, प्लीज मुझे कुछ नहीं पता। आप लोग कुछ करिए, मुझे मार डालेगा, मार डालेगा वो मुझे। कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, हम लोग देखते हैं। ना बेटा, तुम घबराओ मत। आप ठीक तो है मैडम? सैंडी, पार्टी अभी के अभी कैंसिल करवाओ, मुझे घर जाना है, जल्दी जाओ। ओके मैडम। दया,
पता चला किस नंबर से वो वीडियो आया? नहीं सर, शायद फिर से बर्नर फोन इस्तेमाल किया होगा उसने, वीडियो भेजते ही डिस्ट्रॉय कर दिया होगा फोन। कोई तो सुराग मिल जाता, वहां पर इतने सारे गुलदस्ते थे, कुछ भी नहीं मिली। सर ये सारे गुलदस्ते बाहर सेट पे ही पड़े थे, मेकअप रूम में जाने से पहले कोई भी उसमें कैमरा फिट कर सकता था। तो वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उस सेट पर, सबके नामों की लिस्ट बनाओ, एक भी नाम मिस नहीं होना चाहिए। सेट पे तो बहुत लोग थे सर, रिया का मैनेजर, उसका बॉडीगार्ड, सेट पे काम करने वाले लोग, कई सारे लोग थे सर। मतलब कोई भी कैमरा लगा सकता था। रिया भी तो कह रही थी कि उसको किसी पर भी विश्वास नहीं, उसके आसपास के लोगों पर भी नहीं, सबके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। सर सर मैं रिया के इस फैन के सारे कमेंट्स पढ़ रही थी। दिखाओ ना उस पर। जी सर, ये देखिए, इसमें एक अजीब बात है। वो क्या? सर इस फैन के सारे कमेंट्स रिया के स्टेटस अपडेट करने के एक मिनट के अंदर अंदर आए। मतलब? सर जैसे ये देखिए, रिया ने ये स्टेटस सुबह 9 बजे अपडेट किया था, ये वाला दोपहर 3 बजे, और ये वाला रात 2 बजे, और इस फैन ने तुरंत कमेंट किया था एक मिनट के अंदर अंदर। इसके पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? सारे दिन इंटरनेट पे बैठा रहता है। ऐसा हो नहीं सकता। जब ये आदमी दूसरे शहर से यहाँ मुंबई आया होगा तो सारे रास्ते उसे इंटरनेट थोड़ी ना मिला होगा, तो तुरंत रिप्लाई कैसे कर सकता है वो? इस मैसेज में एक बहुत ही अजीब बात है सर। क्या सर? सर ये देखिए, यहाँ पर इसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है, पर यहाँ पे ये कुछ खराब लिखा है सर। ये यू आर के बजाय यूअर लिखा हुआ है। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन द वर्ल्ड, और आगे ये अंग्रेजी ठीक ठाक है। यू आर माइन एंड ओनली माइन। माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया के पीछे दो दो सरकरे लोग लगे हैं? दो दो तो उसकी जान को और भी खतरा है सर। ओहो, आज तो बहुत थक गए है ना? बिल्कुल। क्या है ये? Tomorrow is your last day on earth. Oh my God, Chip फिर से आ गया। रिया। Oh God, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? वही जिसका डर था, एक और धमकी भरा नोट। नोट? बोल भी। सीसीटीवी कैमरा चेक करो जल्दी। सर। ये कहाँ पे था ये? यहाँ नीचे जमीन पर। शायद दरवाजे से किसी ने नीचे से डाल दिया होगा। क्या हो रहा है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग कर क्या रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले वो आप लोगों के नाक के नीचे मेरे मेकअप रूम में आ गया और अब इस घर पे ये क्या हो रहा है? दीदी आप टेंशन मत लो, वो पकड़ा जाएगा। पता नहीं कब कब। बेटा ये लोग कोशिश कर रहे हैं ना, तो धीरज रखो। मामा मैं कैसे धीरज रखूं? वो मुझे मार डालेगा। आप लोग कुछ कर पाएंगे या नहीं प्लीज मुझे बता दो। सर ये देखिए, ये सीसीटीवी कैमरे पे बुलेट होल है। अरे आप लोग कुछ कर क्यों नहीं पा रहे? अगर ये कुछ हो गया तो? आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, हमें से एक ऑफिसर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा 24 घंटे। इनको ऊपर लेके जाओ। आई चलो बेटा चलो। दिनेश सर मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है, शायद गोली लगने से पहले कुछ मिल जाए। श्योर सर, आइए। दरवाजे के नीचे इतना गैप तो है ही नहीं कि ये नोट अंदर डाला जा सके, और तभी नोट घर के अंदर पहले ही मौजूद था। सर तुम्हें पूरा यकीन है कि ये नोट दरवाजे के नीचे से नहीं जाएगी? सर मैंने एक नहीं 4-5 बार कोशिश की सर, उस दरवाजे के नीचे से ये नोट डालना इम्पॉसिबल है सर। सर लगता है ये घर का ही कोई करीबी आदमी है। हाँ जी सर, हमने घर की तलाशी ली तो वहाँ पे एक बुक शेल्फ मिला सर, उसमें एक मैगजीन मिला। Thank you.
उस फैन ने इस मैगजीन के अक्षरों को काट के ये नोट बनाया है। सागर ये कोई बाहर वाला है तो जिस फुर्सत से उसने घर में घुस के ये सब किया है ये तो किसी साइकोपैथ का काम है। और अगर कोई घर वाला है घर के अंदर का तो रिया की जान को तो बहुत बड़ा खतरा है। तो फिर एक काम करो इस रिया के घर में रहने वाले उसके सारे के सारे रिश्तेदार वॉचमैन कुक सिक्योरिटी वाला नौकर जो कोई भी हो सबके बारे में पता लगाओ। देखो वो कहाँ कहाँ जाते हैं किस किस से मिलते हैं उनके फोन रिकॉर्ड भी चेक करो एक एक की पूरी कुंडली निकालो पूरी की पूरी कुंडली निकालो। रिया जी मैं चाहता हूँ कि मेरी अगली फिल्म आप साइन करें। देखिए मैंने आज तक जितनी फिल्में की ना सभी सुपरहिट रही हैं और मैं चाहता हूँ प्लीज मेरी ये फिल्म आप ही कर लें। सर मैं साहब प्लीज आप अपॉइंटमेंट लेकर कहिए अभी रिया जी के पास नई फिल्म के लिए कोई डेट्स नहीं प्लीज। सैंडी भाई मेरे पिक्चर का पैचवर्क अभी बाकी है किसी को डेट मत देना आप अभी। नहीं नहीं मिलेगा अब देखिए प्लीज प्लीज उनके पास कोई डेट्स नहीं है अगली फिल्म करने के लिए आप आइए इधर इधर आइए। अरे सर प्लीज आप इधर आइए सुन लीजिए। हाँ मैं समझा आप इधर आइए। देखा सर दुनिया कितनी मतलबी है जैसे ही मेरी जान खतरे में पड़ी हर कोई मेरे साथ काम करने के लिए मरे जा रहा है। अब हर चीज के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं यू कह रहे हो। देखिए प्रोड्यूसर साहब अब रिया जी पुराने रेट पे काम नहीं करेंगे अब उनका रेट डबल हो गया आपको मंजूर हो तो बोलिए। ऐसा मत करो यार इतना पैसा तो हीरो भी नहीं लेता। देखिए रिया जी को किसी हीरो की जरूरत नहीं है उनके अपने दम पर उनको ओपनिंग मिल जाती है अब आपको परवरता तो बोलो। यार मेरी बात को समझो यार देखिए आप हेलो नहीं देखिए उनके पास डेट नहीं है आप ओपनिंग नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी। सभी घर वालों के फोन रिकॉर्ड चेक किया ये राजीव के फोन रिकॉर्ड में एक नंबर जो हमारा सस्पेक्ट हो सकता है। किसका नंबर है ये? सर ये नंबर पोलरिस पब्लिसिटी के सीईओ विकास कुमार का। पिछले कुछ हफ्तों में कई कॉल्स किए हैं इस राजीव ने विकास को 13 तारीख को भी किया है सर जिस दिन रिया को वो गुड़िया दी गई थी। हाँ 13 तारीख को पोलारिस पब्लिसिटी के सीईओ विकास को राजीव का फोन मतलब ये कोई सरफिरा फैन नहीं यानी राजीव ने ये सब रिया को छोटी पब्लिसिटी दिलाने के लिए किया ताकि उसे कुछ और फिल्में मिल सके। हाँ और अगर ये राजीव हमारा इस्तेमाल कर रहा है रिया को फायदा पहुंचाने के लिए तो फिर उसे बताना पड़ेगा कि सीआईडी के साथ पंगा लेना कितना खतरनाक होता है। विकास तुझे कितनी बार बोला मुझे कॉल मत करना अब ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया जो मुझे मिलने बुलाया। हमारे कहने पर बुलाया इतने तुम्हें विकास पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है समझे। सर आप यहाँ क्यों हमें देख के डर गए। नहीं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं वैसे भी आजकल पब्लिसिटी का जमाना है और सर अगर सीआईडी को पब्लिसिटी की जरूरत है तो विकास से अच्छा और कौन हो सकता है क्यों विकास। वैसे भी सीआईडी अपने फर्ज के लिए बहुत मशहूर है ना तो हमें फेक पब्लिसिटी की आदत है और ना ही जरूरत। फेक पब्लिसिटी? हाँ फेक पब्लिसिटी नकली पब्लिसिटी जो तुमने रिया के लिए की और फिल्में मिलने के लिए है ना। क्या करता सीआईडी से पंगा लेके जेल चला जाता। अब सच यही बताओ कि मिस्टर राजीव या ब्यूरो लेके चले।
सर, रिया के पास काम नहीं था, उसकी पिछली 3 फिल्में फ्लॉप हो गई थी और वो घर बैठी हुई थी और मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं गई सर, इसलिए मैंने विकास से मदद मांगी और सर उसने अपना ये तेज दिमाग लगाकर ये सारा प्लान रचा। सर मेरे वर्कर्स सारे शहरों में फैले हुए हैं, तो इसलिए मैंने खुद ही अलग अलग शहरों से अपने वर्कर्स से कॉल करवाया, जिससे लोगों को लगे कि वो फैन दिन पर दिन रिया के नजदीक आ रहे हैं। अच्छा तो ये बात है, एक तरीके से हमारा अंदाजा सही चल रहा है, और से लोग रिया के पीछे पड़े थे, है ना? या यूं कहें पूरी की पूरी पीआर टीम। और वो गुड़िया वाला आइडिया तुम्हारा ही? हाँ सर, यहाँ तक कि आप लोग को बुलाने का भी आइडिया हमारा था, मगर देखिए ना सर, आज रिया के पास इतनी फिल्में हैं, सर मैंने अपनी बहन की मदद की, इसमें क्या गलत किया सर? चुप! हमें पूछो गलत क्या है, हमारा कीमती वक्त बर्बाद किया है तुमने, यही वक्त हम किसी जरूरतमंद के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। तैयारी करो जेल चलने की। जेल जाने से पहले तुम खुद अपने मुंह से अपनी ये घटिया हरकत के बारे में बताओगे रिया को, समझे? सर रिया को बताने की क्या जरूरत है सर, सबसे पहले तो ये सारा आइडिया उसी को सुझा था। तो ये सब रिया का आइडिया था, मतलब रिया शामिल थी सब? तब रिया ने हमसे झूठ बोला रिया। हेलो सर, डॉक्टर साहब एक्चुअली मैं लेंस पहन के बहुत तंग आ गई हूँ, आप मेरा लेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं? ठीक है, पहले हम आपके आँखों का टेस्ट कर लेते हैं। ओके। देखिए पढ़िए। जी, LIGHTS लाइट्स, CAMERA कैमरा, ACDION राइट्स कैमरा एक्शन। ये क्या मजाक लगा कर रखा है डॉक्टर साहब आपने? फिल्मी दुनिया का दस्तूर है रिया, लाइट्स कैमरा एक्शन। रिया कहाँ है? डॉक्टर साहब के साथ अंदर है। डॉक्टर साहब अभी क्या? बैठ जाओ। और लास्ट में कट। माय गॉड, रिया She's dead. My God. Oh no. कौन आप लोग? सर मैं डॉक्टर हूँ और ये रिसेप्शनिस्ट है। कैसे हुआ ये? कैसे किया? पता नहीं सर, कोई अचानक मेरे ऊपर पीछे से झपटा और फिर बेहोश करके हमें बांध दिया सर। यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता है? जी हाँ, यहाँ से सर। तुम ठीक तो हो? ऐसे कैसे हो सकता है सर? सर मेरी बहन कैसे मर सकती है? ये सब तो एक झूठा खेल था सर। कभी कभी एक झूठ भी सच को भयानक सपना बना देता है। शायद तुम्हारे उस झूठे पीआर वाले आर्टिकल को पढ़ के किसी सिरफिरे का दिमाग घूम गया और उसने सच में रिया की जान ले ली। सॉरी सर, मेरे करियर में कभी पहले ऐसा नहीं हुआ सर, अगर मुझे पता होता ऐसा कुछ हो जाएगा तो सर ये नकली स्टोरीज में कभी नहीं छापता सर। छापना भी नहीं चाहिए, तुम लोग जनता के विश्वास के साथ खेलते हो और वो तुम्हारे झूठ को भी सच मान लेते हैं। राजीव, बोल क्यों किया तूने ऐसा? बोल, ताकि रिया को और पैसे मिल सके और फिल्में मिल सके। क्या करेगा इन पैसों का पता? क्या करेगा जब मेरी बेटी नहीं रही? बोल, बोल, बोलो। विकास एक बात बताओ। सब रिया को जो धमकी भरे नोट्स गए थे, लेटर्स गए थे,
मैसेजेस गए थे, फोटोग्राफ गए थे, जो सारे के सारे तुम्हारे ही ऑफिस से निकले थे। हाँ सर, सर लेकिन ये बात मैं यकीन से नहीं कह सकता सर, इसके लिए मुझे सारे मैसेजेस दोबारा चेक करने पड़ेंगे सर। सब मेरी गलती है सर, सर मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, मैं अपनी बहन की मौत का बोझ लेके नहीं जी सकता। अब तुम्हारी यही सजा है, जिंदगी भर अपनी बहन की मौत का बोझ अपने सीने में रख के जियोगे तुम। आसान के ठीक है, आसान के तू कह रहा था कोई ऐसा सबूत मिला जिससे खूनी पकड़ में आ जाएगा, क्या सबूत है बता। बस उन सभी धमकी भरी चिट्ठी और नोट्स में से आखिरकार मैंने खूनी की भेजी हुई चिट्ठी ढूंढ निकाली। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते सर कि ये चिट्ठी असली खूनी ने भेजी है, पीआर कंपनी ने नहीं? इसलिए दया क्योंकि सिर्फ इसी चिट्ठी को प्रिंटर पेपर पे प्रिंट किया गया है और किसी भी चिट्ठी में प्रिंटर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सर ये मान लेते हैं कि ये चिट्ठी खूनी ने भेजी है, पर इस चिट्ठी से खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? कैसे पकड़ सकते? एक काम करो, जरा इस चिट्ठी को गौर से देखो। जान दे भी सकता हूँ, ले भी सकता हूँ। एक मिनट भाई साहब, मैंने आपको चिट्ठी पढ़ने को थोड़े बोला है, मैंने कहा चिट्ठी को गौर से देखो तो देखो। अच्छा, देखने में तो कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, ऐसे नहीं दिखेगा। ये कैसे दिखेगा मैं बताता हूँ भाई। ये बिंदु बहुत काम की चीज है। किसी भी प्रिंटर से जब कोई प्रिंट आउट निकलता है तो उस पेपर पर ये बिंदु आ जाती है, जिससे सिक्योरिटी एजेंसीज ये पता लगा लेती हैं कि ये प्रिंट आउट कब निकला और किस प्रिंटर से निकला। एग्जैक्टली। मतलब अगर मैं शहर के किसी भी साइबर कैफे से एक प्रिंट आउट लेके आता हूँ तो आप देख के बता सकते हैं कि वो प्रिंट आउट किस प्रिंटर से निकला है। मैं नहीं दया, ये बिंदु बता सकता है। तो बता, क्या बताता है ये बिंदु? ये प्रिंटर है लैजूस और इसका सीरियल नंबर है 322-34-DYR6 और इसका प्रिंटिंग टाइम है 10:19। तो फिर इस लैजूस प्रिंटर सीरियल नंबर 322-34-DYR6 के मालिक से मिलते हैं। वो दीपक के सारे डेटा ब्लॉक कर देगा, ठीक है? कैसे गिरी जी? ओके, थैंक यू, अपन बाद में बात करते हैं। अरे आप लोग यहाँ, वो रिया के खूनी का कुछ पता चला? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, इसलिए तो आए हैं हम लोग यहाँ। मैं कुछ समझा नहीं सर। गिरी जी, आपके पास प्रिंटर है ना? हाँ जी, है मेरे पास प्रिंटर। आपको कुछ प्रिंट आउट निकालना है? जरा देख सकते हैं। लैसेस प्रिंटर सीरियल नंबर 322-34-DYR6। बिल्कुल वैसा ही जैसे डॉक्टर सारुंखे ने बताया था। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। जब जेल में बैठ के चक्की पीसेगा और फांसी के ऑर्डर का इंतजार करेगा ना, तब शायद बात समझ में आएगी। ये मैं क्यों जाऊंगा जेल साहब? रिया को क्यों मारा? व्हाट नॉनसेंस, मैंने रिया को नहीं मारा। ये चिट्ठी तुमने भेजी है ना रिया को? अरे सर, मैं ऐसी चिट्ठी क्यों भेजूंगा? पब्लिसिटी के लिए, और क्या? मेरी पिक्चर को तो वैसे भी पब्लिसिटी मिल रही थी साहब, मैंने उसको दूसरी पिक्चर के लिए भी साइन किया था और साइनिंग अमाउंट भी दिया था। भला मैं मेरा साइनिंग अमाउंट क्यों डूबने दूं? इसमें मेरा क्या फायदा है? ये चिट्ठी तुम्हारे प्रिंटर से आई है। अरे मेरा तो प्रिंटर कई लोग इस्तेमाल करते हैं सर। सर इस प्रिंटर में ये हिस्ट्री बटन है सर, अभी पता चल जाएगा 17 तारीख को 10:19 पे ये प्रिंट ऑर्डर किसने दिया था। हाँ सर, ये प्रिंट ऑर्डर तो किसी फोन से दिया गया है। फोन का नाम है RLK908। ओ माय गॉड, ये तो उसका फोन है। गिरीश जी, आपने मुझे इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया? हमारे कहने पर
सीआईडी? हाँ। तुम्हें ससुराल लेने आए हम रिया के खून के जुर्म में। हाँ? फिल्म का क्लाइमैक्स अधूरा छोड़ के कहाँ भाग रहे हो डायरेक्टर साहब? हाँ? रिया ने अपनी जिंदगी में जितनी भी सफलता हासिल की सिर्फ मेरी वजह से की, और जब वो सफल हो गई तो सातवें आसमान पर उड़ने लगी। वो अपनी अगली फिल्म किसी और डायरेक्टर के साथ करना चाहती थी। रिया के कहने पर ही मैंने दूसरे डायरेक्टर को साइन किया था, क्योंकि वो अभय को बहुत ही बेकार डायरेक्टर मानती थी, क्योंकि उसकी कुछ पिछली फिल्में अभय की वजह से पीटी थी। बकवास है ये सब, बकवास है। उसकी फिल्में इसलिए पीटी क्योंकि वो एक घटिया एक्ट्रेस थी, ना तो उसमें कोई टैलेंट था और ना ही दिमाग, यहां तक कि पब्लिसिटी का आइडिया भी उसे मैंने ही दिया था। जब वो फेमस हो गई तो सबसे पहले उसने मेरे ही पेट पर लात मारने की कोशिश की। और उस सरफिरे फैन वाला आइडिया तुमने दिया था रिया को? हाँ, मेरा ही था। और जब उसने मुझसे गद्दारी की तो मैंने इस आइडिया को सच्चाई में बदल दिया। लाइट्स, कैमरा, एक्शन और लास्ट में कट। वाह भाईजी वाह, बहुत खूब। अभी जी अगर यही दिमाग और यही जुनून एक अच्छी फिल्म बनाने में लगाते ना तो तुम्हारे पीछे अवार्ड और तारीफों की लाइन लग जाती। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जिस जुर्म की राह पर तुम निकल पड़े हो ना, उस राह पर तुम्हें मिलेगा सिर्फ फांसी का फंदा, फांसी का फंदा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।